Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Welcome to another session of Testbook. तो अल्जेब्रा के दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं. अल्जेब्रा का थर्ड पार्ट आप पढ़ते हैं. इसमें क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ पुटिंग द वैल्यूज. वैल्यू को कैसे रखें या क्या तरीका लगाना चाहिए कि हम वैल्यू को आराम से रख सकें. क्लियर? नाउ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहला वाला पार्ट हमने डिग्री से किया, दूसरा वाला पार्ट हमने सिमेट्री से किया, दैट मीन्स कि हमने वेरिएबल्स को इक्वल कर दिया, और तीसरे वाले पार्ट में वैल्यू रख रहे हैं. अब कैसे जज करेंगे कि कौन से पार्ट में क्या करना है? ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं. डिग्री वाला कंसेप्ट मैंने कैसे बताया था? डिग्री वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब एक ही सिस्टम दिया हो और उसी की वैल्यू फाइंड करी हो. ठीक है, एक ही सिस्टम दिया हो और उस पूरे पूरे सिस्टम की वैल्यू फाइंड करनी हो, तब हम डिग्री वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं. क्लियर? समझ में आया? तो कहां पे लगा सकते हैं? जब पूरे सिस्टम की वैल्यू निकालनी है. दैट मींस कि बड़ा सा सिस्टम दिया हुआ है और ऑप्शन में दिया हो ए बी सी आ जाएगा, या ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, फलाना फलाना जितना भी समथिंग समथिंग आ रहा है वो सब ऑप्शन में आपके आ जाए. उस पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करके हम इसमें ला सकते थे. तो उसमें आप क्या कर देंगे? डिग्री का कंसेप्ट लगा के आंसर निकाल देंगे. सेकेंड कंसेप्ट आपके पास में आया, कंसेप्ट ऑफ इक्वेटिंग द वैल्यूज. इक्वेटिंग वैल्यूज, ठीक है, ये सेकेंड कंसेप्ट आपके पास में आया. ये कंसेप्ट कहां पे लगा सकते हैं? जब सिस्टम, तीन सिस्टम दिए हो और तीनों बराबर दिख रहे हो आपको, मतलब कि एक जैसा सिस्टम लग रहा हो. क्लियर? वहां पे क्या कर सकते हैं आप? इक्वेटिंग द वैल्यूज लगा सकते हैं. क्लियर? इतना समझ में आ गया कि आप तीनों सिस्टम को बराबर कर देंगे और उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हैं. ओके, तो इक्वेटिंग द वैल्यूज पता लग गया, डिग्री बता दिया मैंने. अब थर्ड कंसेप्ट हमारे पास में आया क्या? पुटिंग द वैल्यूज. ठीक है, तो वैल्यूज को रखे कैसे और क्या कंसेप्ट लगाना चाहिए, और कैसे जीरो रखें कि वन रखें, क्या वैल्यूज रखें. एक चीज और, इसका एक फोर्थ टाइप भी है. ठीक है, तो उसका फोर्थ टाइप भी डिस्कस करते हुए जाएंगे, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा. एंड में वो फोर्थ टाइप मैं डिस्कस करूंगा, ये प्रीवियस ईयर में आया था. क्लियर? नाउ वैल्यू पुट कहां करेंगे? सबसे बड़ी चीज कि वैल्यू को जीरो करना है कि वैल्यू को वन करना है, ये कॉन्सेप्ट कैसे समझे? अगर आपकी वैल्यू वन अपॉन ए के फॉर्म में दी है तो जीरो नहीं रख सकते हैं. ठीक है, जीरो नहीं रख सकते, तो क्या करना है आपको? वन रखना है. इतना समझ में आ गया कि जहां पे वैल्यू जीरो हो रही हो वहां पे जीरो नहीं रख सकते. अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आया मेरे पास में कि सर कितनी वैल्यूज को जीरो कर दें. ठीक है, तो लेट्स से आपके पास में दो इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, दो इक्वेशन, दैट मींस कि दो वेरिएबल्स हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दो वैल्यूज निकाल सकते हैं उससे, दो वेरिएबल्स की. तो दो इक्वेशन से दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, मतलब कि तीसरे का उनको कोई मतलब नहीं है, तो तीसरे वाले को जीरो कर दीजिए, किसी को भी, ए बी सी में से किसी को भी जीरो कर दीजिए और दो की वैल्यू इससे निकाल लीजिए. क्लियर? तो समझ में आ गया कि क्या करना है. जब मेरे पास में दो इक्वेशन दी हुई हो तो क्या करना है? मुझे एक वेरिएबल ही जीरो करना है, ना कि सभी को जीरो करना है. क्लियर? एक चीज और, अब कंसेप्ट आता है कि सर एक वेरिएबल और तीनों को जीरो कहां कर सकते हैं. ठीक है, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट कि तीनों की वैल्यू को जीरो कहां कर सकते हैं. अगर आपके पास में एक इक्वेशन दी हुई हो और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक, अब एक ही इक्वेशन दी हुई है और आंसर आपका उस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो आप क्या करिए कि दो वेरिएबल्स को जीरो कर दीजिए. ठीक है, दो वेरिएबल्स को जीरो कर दीजिए. जब दो वेरिएबल्स को जीरो कर दिया तो ए की वैल्यू हमें सीधे सीधे पता लग गई, और इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल जीरो कर दिया तो ए की वैल्यू से सीधे इक्वेशन की वैल्यू आ गई, और वही तो निकालना था. दैट मींस कि पर्टिकुलर सिस्टम की वैल्यू ए बी सी के फॉर्म में ना आके वैल्यूज के फॉर्म में आ रही है, तो वहां क्या करना है? दो वेरिएबल्स को जीरो कर देना है.
ठीक है, इसको वन बाय वन एग्जाम्पल वाइज ही समझेंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी चीजें आप नोट करके चलिए कि अगर दो इक्वेशन दी हुई है तो दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि तीसरा जीरो करना है, ठीक है, और दो वेरिएबल्स यानी एक इक्वेशन दी हो तो उसमें दो वेरिएबल्स को जीरो कर देना है, और अगर तीन इक्वेशन दे दी है तो किसी को जीरो नहीं करना है, पहले बता दे रहा हूं, बाद में ये मत कहिए कि सर ने बोला था जीरो कर देना है, तीन इक्वेशन दी है दैट मींस कि तीनों से वैल्यू आएगी, क्लियर, तो तीनों से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी में मैं आपको लास्ट ईयर 2017 में जो मेंस में क्वेश्चन आया था वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा वैल्यू पुट करके, क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, तो राकेश यादव सर की बुक में मिल जाएगा, जितनी भी मैथ्स की बुक है, अरिहंत की बुक ले लीजिए, कितनी भी मैथ्स की बुक ले लीजिए, उसमें क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा लिखा हुआ। अब इसमें क्या होता है, सब जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो बहुत लंबा दिया हुआ है, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो दो सेकंड का भी नहीं है, इवन मैं बता रहा हूं कि एक सेकंड में, पौना सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मैंने क्यू को जीरो कर दिया तो पी इक्वल टू फोर आ गया, ये सिस्टम भी जीरो हो गया। अब देखिए पी की वैल्यू फोर, 4 का क्यूब माइनस 64, इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0, पूरे सिस्टम की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आंसर, ठीक है। तो ये सीजीएल और सीपीओ में दोनों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर ही है, और क्या किया हमने, सिर्फ एक वेरिएबल जीरो किया और आंसर आ गया 0 आपका, क्लियर। अगर सॉल्व करने बैठते तो आप क्या करते कि पी माइनस 2q इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसका क्यूब करते और फिर वैल्यू फाइंड आउट करते, क्लियर, सॉल्यूशन यही दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, एक वेरिएबल को उठा के जीरो रख दिया, और जहां पे जीरो नहीं लग सकते वहां वन रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने कहां से उठाया, 2017 मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए एक चीज तो ये कि अगर मैं क्या करूं, इसमें सिमेट्री लगा दूं तब भी मेरे पास में आंसर आ जाएगा, अगर सिमेट्री लगाऊं तब भी मेरे पास में आंसर आ जाएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आता है। अगर मान लीजिए कि यहां पे मैं क्या करूं, दो वेरिएबल्स को उठा के जीरो पुट कर दूं, तब अब दो वेरिएबल्स को जीरो पुट क्यों किया, ये देखिए, देखिए जो आंसर आ रहा था वो इन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज, तो अगर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है और जो इक्वेशन दी हुई है वो 2s की दी हुई है, ठीक है, तो 2s की इक्वेशन दी हुई है, दैट मीन्स 2s को अगर मैं किसी एक वेरिएबल के इक्वल भी कर दूं तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, हम दो वेरिएबल्स को उठा के जीरो पुट कर देते हैं, दो वेरिएबल्स को जीरो पुट कर दिया। अब यहां से क्या हुआ, ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया, और यहां से बी सी हट गया। अब मेरे पास में क्या बचा, ये देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2s आ गई है, ध्यान रखना होगा a की वैल्यू 2s आ गई है। नाउ s स्क्वायर ये कितना हो गया, a की वैल्यू 2s आ गई है तो ये माइनस s हो गया, ठीक है, माइनस s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है, a की वैल्यू 2s है तो 2s का होल स्क्वायर, क्लियर। Now, अब ये क्या हो गया, ये 4 है तो 4s स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, 4s स्क्वायर कट गया, आंसर 1। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, वहां पे a प्लस बी प्लस सी था, समझ में नहीं आ रहा था, अगर 2s की वैल्यू यहां पे s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो कितना लंबा क्वेश्चन होता, मैंने क्या किया, दो वेरिएबल को जीरो पुट कर दिया और आंसर 1 आ गया सीधे, क्लियर। तो कितना इजिली ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर है, क्लियर, और हमें इस सिस्टम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये चीज देखिए, अगर मैं क्या करूं, इनमें से एक वेरिएबल को जीरो कर दूं, लेट से कि हमने z को जीरो कर दिया, y को नहीं, z को जीरो कर दिया, क्लियर, z को जीरो कर दिया, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया, ओके, x इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। अब यहां पे देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो z को जीरो कर दिया तो z यहां से हट गया और xz जो लिखा था वो भी हट गया,
तो हमारे पास में क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो 3y² प्लस y² अपॉन 2y² ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा आंसर, 4y² डिवाइडेड बाई 2y², y² से y² कैंसिल, 4 2, आंसर 2। विदिन सेकेंड्स आपका आंसर आ रहा है, अगर आपने क्या किया, एक वेरिएबल को उठा के जीरो पुट कर दिया, क्योंकि तीनों की वैल्यू जीरो के बराबर थी, तो आपने क्या किया, एक को जीरो कर दिया, बाकी दोनों से हमें मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता, बाकी दो प्लस 3 -3 प्लस 2 -2 प्लस 1 -1 हमें उससे मतलब नहीं। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू माइनस वाई निकाल लिया, सिस्टम में जैसे मैंने वैल्यू रखी तुरंत मुझे आंसर 2 मिल गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y क्यूब x क्यूब और z क्यूब की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स वाई जेड के बराबर है। अब इसमें क्या करें, बहुत कंफ्यूजन है कि इसमें क्या करें, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम देख के वैसे ही घबरा जाते हैं कि सर p की वैल्यू ये हो गई है, q की वैल्यू ये दी हुई है, r की वैल्यू ये दी हुई है, फिर p q r की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, आप क्वेश्चन तुरंत ही छोड़ देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, y और z की वैल्यू जीरो कर देंगे, ठीक है, y और z की वैल्यू जीरो कर देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो मेरा p और q के फॉर्म में आ रहा है, That means कि P और Q के फॉर्म में अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरे वेरिएबल्स के ऊपर वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि सिर्फ एक ही सिस्टम दिया हुआ है, तो हम दो वेरिएबल को जीरो कर सकते हैं, तो यहां से Y भी जीरो कर दिया और Z भी जीरो कर दिया मैंने, ठीक है, और यहां पे X, Y, Z भी मेरा हट गया, दैट मीन्स ये वाला सिस्टम सिर्फ 3 बचा हुआ, ठीक, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू 3 आ गई है, क्लियर। अब P Q R की वैल्यू देखते हैं, Y हट गया, Z हट गया, माइनस एक्स P की वैल्यू, Z हट गया, Y हट गया, तो X की वैल्यू Q और Y हट गया, Z हट गया, तो R की वैल्यू भी X हो गई। अब इस सिस्टम में वैल्यू रखिए, P क्यूब था तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, Q क्यूब है तो प्लस एक्स क्यूब हो गया, आर क्यूब है तो प्लस एक्स क्यूब हो गया, माइनस 3x³ और क्योंकि p माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहां पे देखिए ये p की वैल्यू माइनस x है ना, इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू x, तो माइनस इधर आ जाएगा और प्लस कर देगा ये, ठीक। अब क्या हुआ, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल और ये कितना हो गया, 4x³ और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, 3, दैट मींस कि यहां पे हम वैल्यू रख सकते हैं 4 × 3 और आंसर कितना, 12, ऑप्शन नंबर 3 था 12, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना इजीली हो गया जब मुझे समझ में आ गया कि क्या जीरो करना है। देखिए अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर लेट से कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने जो कंसेप्ट बताया था वो सब मैं भूल गया, तो अब क्या करें, एक वेरिएबल को जीरो कर दीजिए, सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल के रखिए कि मुझे पहला वेरिएबल जीरो करना है, बस। आपने पहला वेरिएबल जीरो किया, क्वेश्चन क्या हुआ, औकात में नहीं आया, नहीं सॉल्व हो रहा आपसे, क्या करना है आपको, दूसरा वेरिएबल भी जीरो कर देना है, ठीक। तो दूसरे वेरिएबल के बाद ऐसा नहीं है कि तीसरा वेरिएबल जीरो कर देंगे, तीसरा वेरिएबल जीरो करेंगे ना खत्म, फिर तो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल जीरो करना है और आंसर आपका विद इन सेकेंड्स आता है आंसर, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं न्यू टाइप का, कि उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो भी सीजीएल मेंस में आया वो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है बट डिफरेंट टाइप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये न्यू टाइप है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अलग से न्यू टाइप करके, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना होगा। देखिए जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, x1 x2 x3, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाए और इधर साइड में इक्वल टू समथिंग समथिंग लिखा हो, तो उसमें जो भी कांस्टेंट दिया हो उसके बराबर x1 x2 x3 को रख दीजिए। कैसे, x1 × x2 × x3 दिया हुआ है और 4 ब्रैकेट में 4 प्लस x1 x2 x3 दिया हुआ है। इसमें क्या है, जो कांस्टेंट है वो एक ही है क्या, 4। तो हमने क्या किया, x1 = x2 = x3 = 4 रख दिया, ठीक है,
वैल्यू 4 के बराबर रखते हैं। और अब चेक कर लेते हैं एक बार कि अगर वैल्यू 4 के बराबर रखती है तो ये इक्वल आता है कि नहीं आता है। देखिए 4 का क्यूब यहां पे हो जाएगा और यहां पे वैल्यू 4 4 4 4, ठीक है, तो 4 4 टाइम्स यानी 16, ये इधर साइड 16 हो गया और 16 × 4 = 64 और 4 का क्यूब भी 64, दैट मींस जो वैल्यू हमने सपोज करी थी वो बराबर है, ठीक है। और ऐसा सब केसेस में होगा जब भी x1 x2 x3 के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो और जो भी एक सिंगल कांस्टेंट भी आपको दिया हो उसी के बराबर बाकी सबको मान लीजिए, ठीक है, उसी के बराबर क्या करना है, बाकी सबको मान लेना। अब ये इसकी सिस्टम की वैल्यू पूछी गई है, अब सबको तो हमने बराबर मान लिया तो ये सब हट गए और मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया और वैल्यू कितनी x1 की, तो 1/3 ये 3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि अब मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 3 ऊपर आ गया, 2 + x1 की वैल्यू कितनी मानी है 4, तो 3/6 हो गया, आंसर कितना आ गया 1/2, क्लियर, सेकेंड्स में आंसर आ गया आपका, समझ में आया। अब इसके बाद एक न्यू टाइप पढ़ लेते हैं कि उसका अप्रोच क्या होता है, क्लियर। नाउ देखिए ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है जो हो सकता हो एग्जामिनेशन में आ जाए प्री में, ठीक है, मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी न्यू टाइप मैं चाह रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो। ओके नाउ ये देखिए दिया हुआ है हमारे पास में x + 1/x = 3 दिया हुआ है और हमसे पूछ लिया कि x² + 1/x² कैसे निकालेंगे, तो यहां पे तो आप चैंपियन हो जाएंगे कि सर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दें और उसको स्क्वायर कर दें तो उससे x² + 1/x की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। क्यूब में भी आप चैंपियन हो गए कि सर x³ + 1/x³ की वैल्यू भी हम निकाल देंगे, पूरे सिस्टम का क्यूब कर देंगे, उधर भी क्यूब कर देंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन जब x4 आ जाए तब, x5 आ जाए तब, तब क्या करेंगे आप, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या अगर x + 1/x = k दिया हो तो x² + 1/x² कितना हो जाता है k² - 2 और x³ + 1/x³ हो जाता है k³ - 3k, ठीक है, इतना समझ में आता है। ये दोनों वैल्यूज अभी के लिए नोट करके रख लीजिए, ठीक, तो x² + 1/x² निकालना है, ये 3 के बराबर था तो इस वाले सिस्टम की वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकाल लेंगे हम, k स्क्वायर है तो यानी 3 का स्क्वायर दैट मींस 9 - 2 = 7, इसका आंसर आ गया, 7 वैल्यू आ गई। नाउ ये सिस्टम भी फाइंड आउट हो गया हमारा x² + 1/x², अब आ गए हम x³ + 1/x³ के ऊपर, उसका भी है k³ - 3k, तो k क्यूब है यानी 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 3k, 3 × 3 तो कितना आ गया ये 18, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू 18 आ गई, ये भी सॉल्व हो गया आपका इससे, ठीक। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि सर x4 और 1/x4 को क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई, देखिए x² + 1/x² तो हमने निकाल लिया था, वो वैल्यू 7 आ रही थी, ओके ये क्या था x² + 1/x², ठीक है, इसकी वैल्यू 7 आ रही थी। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि y + 1/y = 7 है, लिख सकता हूं, और पूछा क्या गया है x² यानी कि y² + 1/y² मुझसे पूछ लिया गया है और उसकी वैल्यू तो मुझे पता है कि k² - 2k होता है, तो
तो 49 माइनस 2 दैट मीन्स 47 आंसर आ जाएगा. क्लियर, समझ में आ गया कि अगर x4 प्लस 1 अपॉन x4 हो तो कैसे निकालेंगे. अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर x5 और 1 अपॉन x5 कैसे निकालेंगे. अब इसको निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है. अब देखिए, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब से तो कैसे आएगा. अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए x स्क्वायर और x क्यूब हो गया x5, x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किससे, 1 अपॉन x क्यूब से, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x. अब 1 अपॉन x स्क्वायर का x क्यूब से तो x आ गया और इधर 1 अपॉन x5 आ गया. ठीक है, तो x5 प्लस 1 अपॉन x5 और बीच में ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x, और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू तो हमें पता है कि नहीं पता है, और इन दोनों सिस्टम की तो वैल्यू भी हमें पता है. तो इन दोनों सिस्टम की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 7 थी, इसकी 27 थी, 7 प्लस कितना था x क्यूब था, तो यानी 3 की k क्यूब था, 3 की वैल्यू 27 माइनस 9 थी, 18 वैल्यू आ रही थी, सॉरी 18 आ रही थी. क्लियर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 18 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 18 7 टाइम्स कितना होता है, 126 होता है. ठीक है, तो 126 इधर आ गया, और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 आती है, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 तो इधर साइड में जाके माइनस हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 123 आ गया. क्लियर, समझ में आ गया, x5 और 1 अपॉन x5 की वैल्यू आ जाएगी. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन आया x टू द पावर 297 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 297 इज इक्वल टू 8, और x टू द पावर 297 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 297 क्या होगा. ठीक है, तो इसका स्ट्रेट फॉर्मूला है. ठीक है, लिख लीजिए जो दो फॉर्मूले मैंने ऊपर दिए हैं, और ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी नोट करके लिख लीजिए. अगर x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू k हो, तो x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है. ठीक है, क्या हो जाता है, के स्क्वायर माइनस 4. ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है. ये 297 जो मैंने पिक किया है, ये सीपीओ प्री से पिक किया है 2015 से. ठीक है, शायद इवनिंग शिफ्ट थी 5th में की, उसमें ये क्वेश्चन आया था. नाउ अब ये क्या है, दिया हुआ है, अब हमें 297 के बारे में पता लग गया है, तो क्या होता है इसकी वैल्यू कैसे होगी, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर दैट मींस 64 माइनस 4 क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 60. क्लियर, इसकी वैल्यू फाइंड हो गई. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर अगर मान लीजिए पलट जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर यहां पे माइनस होता और यहां पे प्लस होता तो कैसे फाइंड आउट करते. ठीक है, अगर ऊपर माइनस और नीचे प्लस तो क्या करिए, यहां पे भी फॉर्मूले में भी यही करिए, ऊपर माइनस करिए और नीचे प्लस कर दिए और ब्रैकेट में अंदर प्लस कर दीजिए, बस आंसर आ गया आपका. ठीक है, क्या करना है, जब चेंज हो जाएगा तो साइन चेंज करना है और ब्रैकेट में भी साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना करना था आपको, आंसर आ जाएगा आपका. इसका भी निकाल के देख लेते हैं, अगर माइनस में दिया हो तो प्लस का आंसर कितना आ जाएगा, अब 64 प्लस 4 हो जाएगा, दैट मींस अंडर रूट ऑफ 68 आंसर आ गया होता. क्लियर, समझ में आ गया. तो एल्जेब्रा में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, और जितने भी हम ट्रिक्स या इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया. तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए. और बहुत सारे बच्चों को एल्जेब्रा नहीं आता है और इतना इजी ट्रिक उनको कहीं नहीं मिलेगा. ओके, थैंक यू.